अपने मोबाइल में डेट और टाइम कैसे सेट करें। डेट और टाइम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप मैनुअल मोड में रख सकते हैं और एक ऑटोमेटिक मोड में। ऑटोमेटिक मोड में अपने आप वो डेट टाइम उठाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो इंडिया में कहीं भी जाएंगे सेम टाइम दिखाएगा। और दूसरा मैनुअल मोड में जितना आप टाइम सेट करेंगे उसके अनुसार से वो आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम इसको कहाँ से सेट करते हैं वो देखेंगे। अभी पहले हम चलेंगे अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चलेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाके यहाँ पे डेट एंड टाइम आएगा। डेट एंड टाइम को अभी पहले तो फॉर्मेट में करेंगे, जो टाइम फॉर्मेट 24 हावर्स में या फिर 12 हावर्स में। तो चलिए हम 12 हावर्स में करते हैं। ये अभी सेट टाइम ऑटोमेटिकली है, जिसमें कि टाइम और डेट ये अपने आप उठाएगा कितना टाइम हो रहा है पूरे इंडिया में एक समान। अगर सेट मैनुअली करना है तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ऑफ करेंगे, उसके बाद आपके सामने डेट आ जाएगा। डेट को आप चाहे चेंज कर सकते हैं, जैसे आज 2 तारीख है तो उसको 3 भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। जुलाई मंथ जो है जुलाई या अगस्त कर सकते हैं यहाँ से, और 2023 ये तो नॉर्मल जो रहेगा वही करना है आपको। टाइम को चलिए हम चाहते हैं कि हमारा टाइम फास्ट चले, 2 मिनट फास्ट चले, 3 मिनट फास्ट चले, तो यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करने के लिए जैसे 11 बज गया, उसके बाद 21 मिनट हो गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में 2 मिनट फास्ट चले या 3 मिनट फास्ट चले, तो हम यहाँ से ये ऐसे कर सकते हैं। और यही जो 11:25 और जो भी टाइम है वही आपका स्क्रीन के मोबाइल पे शो करेगा। इस तरह से हम अपना डेट एंड टाइम को मैनुअल और ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं।